दूसरी जामिया हूं। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा। कैसे हो दोस्तों, हॉलीवुड की दुनिया में एक नई फिल्म के एंट्री होने जा रही है जिसका नाम अवैधा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर है जॉन अब्राहम। मुझे जॉन अब्राहम की एक मूवी पहले भी बहुत अच्छी लगती थी जिसका नाम था रॉकी हैंडसम। उसके अंदर उनकी स्टोरी और उनकी फाइट मुझे काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। और शायद ये बेदा मूवी भी उसी तरीके की है। अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर काफ़ी दमदार है दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी अच्छी फाइट सीन दिखाई है, लाइक उसी तरह रॉकी हैंडसम की तरह ही मुझे फाइट सीन लग रहा है। लेकिन इसकी स्टोरी क्या है ये मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं चली, मैंने उसका ट्रेलर देखा। लेकिन मैं इस वीडियो का मतलब इस मूवी का काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इस वीडियो का ट्रेलर हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। और फिर इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले वीडियो का ट्रेलर देखें। चालू हो चुका दोस्तों। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य श्री जाम्या स्टार्टिंग में फाइट सीन दिखा दिया। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा करूंगा। कोई तो रक्षक चुनी होगी मैया रानी, हम सबरे वास्ते अने नहीं जावे कोई रक्षक। कर हो कोई ऐसा जो पैर रे तलवाने लोहे का तवा बना दे। मेजर अभिमन्यु कन्वर, 11 गोरखा राइफल्स के अफसर को ऑर्डर्स ना मानने के लिए तुरंत कोर्ट मार्शल का निर्देश। कमांडर है, इसमें कोर्ट मार्शल कर दिया। तो अकेला नहीं रहता, सीधा चलने में 2 हफ्ते लगेंगे। मैं तो 2 साल तक यही हूँ, आपका ट्रांसफर हो रहा है। छलांग मारना आता है? मना किया था ना, क्यों आए हो? वादा किया था। जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूं, यही सृष्टि का विधान है। ये सारे नियम कानून उसने बनाए हैं। 15 तो फिर लॉ क्यों पढ़ते, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम क्यों खिलाते, सीधे अरेंजमेंट क्यों नहीं समझा देते? झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। तेरे पास 2 रास्ते, सुलह या जंग, तथास्तु। क्या दमदार लग रहे थे, काफी अच्छा फाइट सीन आने वाला है। मुझे स्टैरिंग में था एक आदमी वेदा। मैं तो सिर्फ सारथी हूँ, तोड़ने वाली। क्या बात है, हार भले हो, मैं लड़के हारना चाहती हूँ। 15 अगस्त को दोस्तों ये रिलीज होगी और काफी अच्छी मूवी लग रही है दोस्तों। आप सब इस मूवी को देखने जाइए 15 अगस्त को एंजॉय करने के बाद या उससे अगले दिन। तो दोस्तों ये काफी मैं इस मूवी का इंतजार कर रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई मज़ेदार चटपटी न्यूज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।